हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आया कमाल का ट्रिक लेके आया हूं, जिसमें आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप इजी बना पाओगे। हर एक चीज सिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के अंदर टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। हर एक टाइप काफी डिफिकल्ट है, उसको ईजी कैसे बनाते, किस तरह से सॉल्व करते, हर एक चीज देखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए टाइप वन लेके आ गया हूं। देखिए टाइप वन में क्या दिया है, देखिए यहां पर ये दिया है कि रोहन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 20 डेज। मतलब कहने का मतलब ये है कि रोहन को किसी काम को करने में उसे 20 दिन लगते हैं, एंड मोहन कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 30 डेज। मोहन उसी काम को करने में उसे 30 दिन लगते हैं। If they work together, अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे, तो then in how many days work get done? अगर दोनों को एक साथ काम पे लगा दो, तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा? ये क्वेश्चन है, काफी इजी में आपको बताऊंगा। देखिए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए नाम क्या दिया है, रोहन और मोहन दिया है, तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग। देखिए रोहन, और यहां पर लिख लेता हूं मोहन। अब देखिए रोहन को कितने दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 20 लिख लेता हूं। और मोहन को कितने दिन लगते हैं, मोहन को 30 दिन लगते हैं, तो यहां पे मैं 30 लिख लेता हूं। अब क्या करना है, देखिए सही कॉन्सेप्ट लेके आया हूं देखिए आपके लिए मैं। दोनों को एलसीएम निकाल लेना है, तो एलसीएम निकालना यहां सिखा देता हूं। देखिए यहां पर ये 20 है और यहां पर 30 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 210 जा 20, 215 जा 30, 25 जा 10, यहां 15 आ गया। 3 5 तो 5 ही आएगा, 3 5 15, 5 1 5, 5 1 5। अब देखिए 5 3 15, 15 2 30, एंड 32 का कितना होगा, 60 होगा। मतलब एलसीएम क्या आ गया हमारा, 60 आ गया। तो क्या करेंगे हम, यहां पे लिखेंगे 60 को। अब ध्यान दीजिएगा, ये रहा 60, ये रहा 20, ये रहा 30। हर एक चीज क्लियर करूंगा। देखिए अब क्या करूंगा, देखिए ये लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन हमने ड्रॉ किया। अब देखिए 20 के टेबल में 60 कब आता है, 23 का कितना होता है, 60 होता है। और 30 के टेबल में 60 कब आता है, 32 का जो होता है वो 60 होता है। ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर आप प्लस करोगे। अब एक चीज सिखाना चाहता हूं, देखिए कंसेप्ट वाइज सिखाना चाहता हूं। देखिए ये 60 क्या है, ये 60 जो है उसे कहते हैं टोटल वर्क, इसे कहते हैं टोटल वर्क, ठीक है। और देखिए ये 3 + 2 जो है 5 आया है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे एफिशिएंसी कहेंगे। एफिशिएंसी मतलब ये होता है कि एक दिन में कितना काम वो कर सकता है। तो जो रोहन जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है, और मोहन जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है। क्लियर हो गया चीज, सबको समझा दिया, टोटल वर्क और एफिशिएंसी, ये क्लियर हो गया। अब देखिए फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि दोनों को एक साथ काम पर लगा दो तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। चलिए शुरू करते, देखिए क्या करेंगे, ये जो यहां पर आएगा टोटल वर्क, हम यहां पर लिख लेंगे 60। अब 3 + 2 जो है वो क्या होगा, 5 होगा, तो यहां पे हम 5 लिख लेंगे। अब डिवाइड कर लेते फटाफट, 5 12 जा कितना होगा, 60 होगा। मतलब हमारा जो काम है वो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 12 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए टाइप 2 लेके आ गया हूं। देखिए टाइप 2 में क्या है, देखिए यहां पर दिया है आकाश, सूरज, बादल कंप्लीट ईच वर्क इन 12, 15, 20 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब कहने का मतलब यह है कि आकाश को एक काम को कंप्लीट करने में 12 दिन लगते हैं, सूरज को वही काम को कंप्लीट करने में 15 दिन लगते हैं, और बादल को वही काम को कंप्लीट करने में 20 दिन लगते हैं। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इफ दे वर्क टूगेदर, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क गेट डन, अगर वो तीनों लोग अगर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा वो हम निकालेंगे। टाइप वन में आपको सिखाया मैं, अगर 2 पर्सन अगर काम करे एक साथ तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, और इस टाइप 2 में सिखाऊंगा कि 3 लोग अगर काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये सिखाने वाला हूं। देखिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर आकाश, उसके बाद लिखेंगे देखिए सूरज, उसके बाद देखिए बादल, ठीक है। अब देखिए आकाश को 12 दिन लगते हैं, सूरज को 15 दिन लगते हैं, और बादल को 20 दिन लगते हैं।
क्लियर हो गया, तीनों का लिख लिया हम लोग ने। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकालना स्टार्ट करते, देखिए क्या नंबर, देखिए 12, 15 और 20। तो 2 6 12, फिर यहां पर 15 लिख देंगे, 2 10 20, फिर 2 3 6 15, 2 5 10, फिर 3 1 3, 3 5 15, और 5 यहां पे आ जाएगा, 5 5 1 5 1, हो गया ग्रन। अब देखिए 1 लिख देंगे यहां पर, 5 1 जा, और 5 1 जा हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 15 2 30, एंड 32 जा कितना होगा, 60। देखिए फिर से 60 आ गया। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम लिखेंगे 60 लिखेंगे। ये क्या है, टोटल वर्क है। क्या है ये, टोटल वर्क। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर 12 के टेबल में 60 कब आता है, 12 5 60 होता है। 15 के टेबल में 60 कब आता है, 15 4 60 होता है। और 20 के टेबल में 60 कब आता है, 23 जो होता है 60 होता है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, एफिशिएंसी निकल गया, तो हम प्लस कर लेते हैं, ये प्लस हो गया। अब 5 + 4 कितना होगा, 9 होगा, और 9 + 3 कितना होगा, 12 होगा। देखिए यहां पर 12 लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, देखिए हमें क्या निकालना है, कितने दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए निकालते हैं, ये 60 को मैं यहां पर लिख लेता हूं मैं, और जो ये प्लस करने पर यहां पर 12 आया, और यहां पर लिख लेता हूं। फिर क्या करते, कैंसिल कर लेते हैं, 12 5 कितना होगा, 60 होगा। मतलब तीनों लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो वो काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वो काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए दोस्तों आपके लिए टाइप 3 लेके आ गया हूं। देखिए टाइप 3 जो है काफी डिफिकल्ट सम है और इंपॉर्टेंट सम भी है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए ध्यान से देखना। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अनिल एंड पंकज कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली इन 10 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब यहां पर यह कह रहे हैं यहां पर कि अनिल जो है उस काम को कंप्लीट करने में 10 दिन लगाता है, और पंकज जो है उस काम को कंप्लीट करने में 15 दिन लगाता है। ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, पंकज leaves a work after 3 days. पंकज जो है 3 दिन के बाद वो काम छोड़कर वो जा रहा है, या काम उसने छोड़ दिया। आगे देखिए, अनिल फिनिश द रिमेनिंग वर्क, जो बाकी के काम जो है वो अनिल ने संभाल लिया, अनिल ने पूरा कर दिया। इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी फिनिश, तो कितने दिन में वो काम पूरा होगा। तो चलिए शुरू करते, कुछ नया है इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए नाम लिख लेंगे। नाम यहां लिखने जा रहा हूं अनिल, और यहां पर लिखने जा रहा हूं पंकज। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अनिल को जो है 10 दिन लगते हैं, तो यहां पर मैं 10 लिख लेता हूं, और पंकज जो है 15 दिन लगाता है, तो यहां पर मैंने 15 लिख लिया। चलिए अब एलसीएम निकालते, देखिए यहां पर एलसीएम निकालने जा रहा हूं। देखिए क्या नंबर है, यहां पर 10 और यहां पर 15। उसके बाद देखिए 2 5 10 और यहां पर 15 लिख देता हूं। उसके बाद 3 लिखता हूं, 5 को यहां पर लिख लेता हूं, 3 5 15, 5 1 5, 5 1 5, 2 3 6 और 6 5 क्या होगा, 30 होगा। मतलब 30 जो है हमारा एलसीएम आ गया है, तो यहां पर हम 30 लिख लेते हैं। देखिए 30 लिख लिया मैंने। अब यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। 10 के टेबल में 30 कब आता है, 10 3 जो होता है 30 होता है, और 15 के टेबल में 30 कब आता है, 15 2 30 होता है। तो इनको प्लस कर लूंगा मैं, तो क्या आएगा यहां पर, 5 आएगा। मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है कि टोटल वर्क जो है वो 30 है। ये जो है एफिशिएंसी, मतलब अनिल जो है एक दिन में 3 काम करता है, और पंकज जो है एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो ये एफिशिएंसी दिया है। क्लियर हो गया। अब देखिए जो अनिल जा रहा है, पंकज काम कर रहा है, जो भी दिया है इसमें, वो कैसे सॉल्व करके, देखिए यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसमें लिखोगे, देखिए यहां पर समझिए, 3 दिन के बाद, देखिए लिखा है यहां पर, पंकज जो है, पंकज लीव द वर्क आफ्टर 3 डेज। पंकज जो है 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाएगा, 3 डेज लिख लिया मैंने। और यहां पर लिखता हूं, देखिए रिमेनिंग लिखता हूं, यहां पर रिमेनिंग लिखता हूं। अब देखिए 3 दिन के बाद वो काम छोड़कर जा रहा है, ये हमें पता है, लेकिन देखिए यहां पर दिमाग लगाना होगा, 3 दिन के बाद जा रहा है ना, लेकिन 3 दिन जो है 7 पे मिलकर काम किया उसने, तो 7 में मिलकर काम किया, मतलब देखिए यहां पर लिखता हूं मैं अनिल और प्लस पंकज,
दोनों मिलकर साथ में काम किए उसने। कितने दिन काम किए? 3 दिन काम किए। तो यहां पर मैं 3 लिखता हूं। और देखिए एक दिन जो है, एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम करते हैं? 5 काम करते हैं। तो 3 दिन जो है साथ मिलकर काम किए उन्होंने, तो साथ मिलकर काम किए मतलब यहां पर मैं 5 लिखूंगा। तो 3 5 का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, मतलब 15 काम कंप्लीट हो गए। तो टोटल काम कितना है? 30 काम है। ये टोटल काम है, ये टोटल वर्क है। तो देखिए 15 जो है, 15 काम जो है 3 दिन में वो काम कंप्लीट हो गया। बचा कितना? देखिए तो 30 में से अगर मैं 15 निकाल लूं तो कितना बचेगा? 15 काम जो है बाकी है अभी। तो 15 काम कैसे कंप्लीट होगा? तो कौन काम कंप्लीट करेगा? देखिए यहां पर लिखा है अनिल, अनिल फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बाकी काम जो है अनिल संभालेगा। तो देखिए यहां पर अनिल जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो जब 15 काम जो है कैसे कंप्लीट करेगा वो, देखिए 15/3 कर देंगे। तो 3 5 15 हो जाएगा, 5 आ गया, मतलब 5 डेज होगा, मतलब 5 दिन में जो अनिल जो है 5 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा। लेकिन यहां पे पूछा क्या है? यहां पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी फिनिश, मतलब कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। देखिए 3 दिन जो है साथ में काम किए थे, और अकेले क्या काम करेगा? अनिल जो है 5 दिन में काम करेगा। तो दोनों मिला के कितने हो गए? 3 + 5 8 डेज, मतलब 8 दिन में वो सारे काम कंप्लीट हो जाएगा, 8 दिन में सब काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको पूछा जाए अगर कि अनिल को कितने दिन लगेंगे, तो अनिल को 5 दिन लगेंगे बाकी के काम खत्म करने में। और पूछा जाए ऐसा अगर आपको अगर कि टोटल काम कितने दिन में होगा, तो 3 + 5 8 डेज होगा। तो ये आंसर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आपके लिए टाइप 4 लेके आ गया हूं। देखिए टाइप 4 जो है वो भी इंपॉर्टेंट सम है। देखिए इसको इजीली सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से यहां पे क्या दिया है, अमन एंड रमन कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली इन 30 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब यहां पे ये कहा गया है अमन जो है एक काम को कंप्लीट करने में 30 दिन लगाता है, और रमन जो है उस काम को कंप्लीट करने में 20 दिन लगाता है। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 10 डेज रमन लीव्स द वर्क, मतलब दोनों ने एक साथ काम चालू किया और 10 दिन के बाद क्या हुआ, रमन ने काम छोड़ दिया। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय अमन, बाकी के काम जो था जो रमन छोड़ के काम चला गया है, और बाकी के काम जो बचा हुआ था वो काम कौन करेगा? अमन करेगा। ये क्लियर हो गया। इन हाउ मैनी डेज विल द एंटायर वर्क बी कंप्लीटेड, तो कितने टाइम में वो काम कंप्लीट होगा। देखिए जाहिर सी बात है अगर दोनों मिलकर काम करते अगर तो वो काम को कंप्लीट करने में एक वक्त लगता, एक टाइम लगता, लेकिन देखिए बीच में एक जन ने काम छोड़ के चला गया है, तो जाहिर सी बात है वो काम को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। वो ज्यादा टाइम कितना लगेगा वही हमें फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे अमन, लिखेंगे यहां पर नाम लिख लेंगे अमन, और यहां पर लिखेंगे रमन, दोनों का मैंने नाम लिख लिया। अब देखिए अमन को जो है 30 दिन लगते हैं, तो यहां पर मैं 30 लिख लूंगा मैं, और देखिए रमन को जो है 20 दिन लगते हैं, तो यहां पर मैं 20 लिख लूंगा। ये क्लियर हो गया। अब मैं एलसीएम निकालने जा रहा हूं। देखिए यहां साइड पर एलसीएम कर रहा हूं, यहां पर क्या दिया है 30, और यहां पर दिया है 20 दिया है। अब देखिए 2 का टेबल ले रहा हूं, 2 15 + 30 होता है, 2 10 + 20, उसके बाद 2 से ही जाएगा, देखिए यहां पर 2 5 = 10, और अब करेंगे 3 से, 3 5 = 15, और 5 को ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग। देखिए 5 1 = 5 5 1 = 5, अब 2 2 = 4 4 3 = 12, एंड 12 5 का कितना होगा, 12 5 होगा 60 होगा। ये हमारा एलसीएम आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं 60 लिखता हूं। चलिए अब देखिए 30 के टेबल में 60 कब आएगा, 32 जो होगा 60 होगा। अब देखिए 20 के टेबल में 60 कब आएगा, 20 के टेबल में 60 कब आएगा, 23 = 60 होगा। ये क्लियर हो गया, इनको प्लस कर देता हूं। देखिए तो 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा। अब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए 60 जो है वो टोटल वर्क है, 60 जो है वो क्या है, टोटल वर्क है, और ये 5 जो है वो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब ये है कि एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा। अमन जो है एक दिन में 2 काम करता है, रमन जो है एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में जो है
पांच काम करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग जो रमन जो है काम छोड़ के जा रहा है उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखिए यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए रमन जो है 10 दिन के बाद काम छोड़ के जा रहा है, मतलब यहां पे लिखेंगे हम लोग 10 दिन लिखेंगे 10 डेज और यहां पे लिखेंगे रिमेनिंग, यहां पे रिमेनिंग लिखेंगे। देखिए आप एक बात समझिए, देखिए 10 दिन जो है उन्होंने साथ में मिलकर काम किए, जो रमन जो काम छोड़ के जा रहा है वो 10 दिन तो मिलकर काम किए, तो 10 दिन में कितना काम हुआ है वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं अमन प्लस रमन दोनों ने 10 दिन तक काम किया। अब देखिए यहां पर एक दिन में कितना काम करते थे, एक दिन में वो 5 काम करते थे, दोनों मिलकर 5 काम करते थे, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, तो 10 × 5 करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब देखिए दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखिए, ये 50 जो है 50 डेज नहीं है, 50 काम करेंगे, क्लियर है। यहां पर मैं मिटा देता हूं, चलिए एल से मिटा देता हूं। अब देखिए टोटल काम जो था वो 60 था, तो यहां पर मैं 60 लिख लेता हूं, दोनों ने मिलकर 50 काम कंप्लीट कर दिए, तो बचा कितना काम, देखिए 10 काम बचा हमारा, तो 10 काम कौन कंप्लीट करेगा, 10 काम जो है लिखा है यहां पर, देखिए यहां पर लिखा है द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय अमन, अमन काम करेगा। तो देखिए यहां पर अमन जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 10 काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएगा, तो यहां पर लिखता हूं अमन इक्वल टू 10 अपॉन यहां पर लिखूंगा 2 लिखूंगा, तो देखिए 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यहां पर आएगा 5 डेज, मतलब अमन को जो है 5 दिन लगेंगे वो जो बाकी का काम जो है उसको कंप्लीट करने में, ये आ गया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, अमन को कितना टाइम लगे वो नहीं पूछा हुआ है, यहां पर यह पूछा है कि टोटल काम करने में कितना दिन लगेंगे। देखिए पहले 10 दिन उन्होंने साथ मिलकर काम किया, अब 5 दिन अमन को काम करने में लगेगा, तो दोनों मिला के कितना हो गया 10 + 5 = 15 डेज आ गया, क्या आ गया 15 डेज आ गया। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, मुझे पता चल रहा है इस तरह से कि आपने डिवाइड कैसे किया है यहां पर, तो इसको भी समझा देता हूं। देखिए किस तरह, देखिए यहां पर लिखता हूं, देखिए यहां पर लिखता हूं डेज और यहां पर लिखता हूं देखिए वर्क, एक दिन में 2 काम करता है अमन, एक दिन में 2 काम करता है, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या था 10 था, 10 क्या था 10 वर्क था, ठीक है। तो वर्क क्या करेंगे, देखिए वर्क के नीचे यहां पर वर्क लिखेंगे, तो यहां पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर हम डिवाइड करेंगे, तो 10 × 1 क्या हो जाएगा 10 × 1 = 10 और डिवाइड में 2 लिखेंगे, इस तरह से ये 10/2 आ गया। तो उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपको क्लियर कर दिया हूं, फटाफट चाहते हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपके लिए टाइप 5 लेके आया हूं। देखिए टाइप 5 जो काफी डिफिकल्ट है, आपको काफी कंफ्यूज करता है एग्जाम टाइम में, तो उसे कैसे इजीली सॉल्व कर पाओगे वो आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर दिया क्या है, एक्स वाई जेड सेपरेटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 20, 30 डेज रेस्पेक्टिवली, मतलब ये है कि X को जो है 10 दिन लगता है उस काम को कंप्लीट करने में और Y को जो है 20 दिन लगता है और Z को जो है 30 दिन उस काम को कंप्लीट करने में टाइम लगता है। आगे देखिए, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 4 डेज X लेफ्ट द वर्क, मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है कि तीनों ने मिलकर तो काम चालू किया लेकिन बीच में क्या हुआ, आफ्टर 4 डेज X ने जो है काम छोड़ दिया। After 2 days, Y also leaves the work. 2 दिन बाद Y ने भी काम करना छोड़ दिया। देखिए कितना बड़ा यहाँ पर ट्विस्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए, the remaining work is done by Z. मतलब जो बचा कुचा जो काम जो है, वो Z काम कर लेगा। तो in how many days will the work be completed? तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? देखिए जाहिर सी बात है, तीनों मिलकर काम करते तो वो कम टाइम लगता, कम दिन लगते उस काम को कंप्लीट करने में, लेकिन बीच बीच में सब जा रहे काम छोड़कर, तो कितने दिन में टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में, वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए नाम लिखेंगे, देखिए यहां पर X लिख लिया, यहां पर Y लिख लिया और यहां पर मैंने Z लिख लिया। अब देखिए X को जो है 10 दिन लगते हैं काम को कंप्लीट करने में, तो यहां पर 10 लिख लूंगा। Y को जो है 20 दिन लगते, तो 20 के यहां पर गोल कर दूंगा और Z को जो है 30 दिन लगते, तो यहां पर मैं 30 लिख दूंगा। ये हो गया हमारा, तो इस चीज का एलसीएम निकाल लेते। चलिए यहां पर एलसीएम निकालने जा रहा हूं, देखिए 10,
20 और 30 का LCM निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20 या 2 15 जा 30। उसके बाद देखिए 5 को ऐसे कॉपी कर दिया, 2 5 जा 10 और यहाँ पर 15 लिखने जा रहा हूँ। अब 3 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, तो ये 5 को 5 कॉपी कर लिया और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा, ये हो गया हमारा LCM रेडी। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा कितना होगा, 60 होगा। मतलब हमारा LCM जो है 60 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 लिखेंगे और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 10 के टेबल में 60 कब आता है, 10 6 जा 60 होता है। 20 के टेबल में 60 कब आता है, 23 जा 60 होता है। और 30 के टेबल में 60 कब आता है, 32 जा 60 होता है। ये सब क्लियर हो गया। अब इनको प्लस करने जा रहा हूं। देखिए तो 6 प्लस 3 कितना होगा, 9 होगा, और 9 प्लस 2 कितना होगा, 11 होगा। तो यहां पर मैंने 11 लिख लिया, ये कहा हो गया। अब देखिए समझना को 11 मतलब क्या है, मतलब 11 मतलब ये है कि x को जो है एक दिन में x जो है 6 काम करता है और y जो है एक दिन में 3 काम करता है और z जो है एक दिन में 2 काम करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में जो है 11 काम को कंप्लीट करते हैं। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क जो है वो 60 है हमारे यहां पर टोटल वर्क। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर कुछ बंदे काम छोड़ के जा रहे हैं, उसको हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, समझिएगा इस चीज को। अब देखिए यहां पर दिया क्या है, आफ्टर 4 डेज, मतलब 4 दिन के बाद X left the work, मतलब 4 दिन के वो काम छोड़ के जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक दिमाग आप लगाओगे अगर, तो 4 दिन तो तीनों ने मिलकर काम किया, तो तीनों ने 4 दिन में कितना काम किया वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना हमें, तो उसको निकालना स्टार्ट कर। देखिए यहां पर लिखता हूं मैं 4 4 डेज लिखता हूं, मतलब 4 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया। तो देखिए X प्लस Y प्लस जेड, तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। 4 दिन कितना काम किया, देखिए एक दिन में वो 11 काम को कंप्लीट करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, तो 4 11 जा कितना होगा, 44 होगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड ट्विस्ट ये है कि और एक बंदा भी काम छोड़ के जा रहा है। कौन सा बंदा काम छोड़ के जा रहा है, देखिए लिखा है आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 दिन के बाद जो है वाई भी काम छोड़ के जा रहा है। लेकिन दो दिन तो साथ में मिलकर काम किया कि नहीं किया, तो Y ने किसके साथ मिलकर काम किया, देखिए पहले X ने काम छोड़कर चला गया, अब बचा कौन, Z बचा, मतलब Z के साथ उसने 2 दिन साथ में मिलकर काम किया। तो यहां पर मैं 2 लिख दूंगा और कितना काम किया वो निकालना है। देखिए Y जो है एक दिन में 3 काम कंप्लीट करता है और Z जो है एक दिन में 2 काम कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलकर कितने काम कंप्लीट करते हैं, तो 3 प्लस 2 कितना होगा, 5 होगा। तो यहां पे हम 5 लिखेंगे। देखिए तो 2 5 का क्या करूंगा, 10 लिखूंगा। अब देखिए दोनों को प्लस कर लीजिए, क्योंकि देखिए आखिरी जो है द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय Z, मतलब बचा कुचा काम जो है Z कंप्लीट करेगा। क्लियर हो गया। तो इसको प्लस कर लेते, देखिए यहां पर 4 लिखा, यहां पर 5 लिखा, मतलब 54 जो काम जो है कंप्लीट कर लिया है इन्होंने। अब कितना बचा है देखिए, उसको कैसे निकालेंगे हम, यहां पर देखिए एलसीएम मिटाने जा रहे हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे, देखिए टोटल वर्क जो है वो 60 है। टोटल वर्क कितना है, 60 है, तो 60 देखिए यहां लिख लिया मैंने। अब देखिए 54 काम कंप्लीट हो चुका है, तो यहां माइनस करने जा रहा हूं, 54 कितना होगा, देखिए 6 काम बाकी है हमारा। अब 6 काम कौन कंप्लीट करेगा, Z करेगा। देखिए एक दिन में कितना काम करता है Z, एक दिन में जो है 2 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करता है, तो देखिए यहां पर 6 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 2 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां क्या आएगा, 3 डेज आएगा। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में बताया आपको मैंने, पहले वाले सम में बताया मैंने किस तरह से इसको डिवाइड कर दे, क्या करते हो, क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पर कर दिया 2 3 जा 6 कर दिया और 3 डेज आ गया। इतना क्लियर हो गया, मतलब Z को रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने में 3 दिन लगेंगे। लेकिन यहां पर पूछा क्या है, यहां पर कुछ अलग पूछा है, यहां पर यह पूछा कि इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, मतलब पूरा काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। देखिए 4 दिन था, 2 दिन यहां पर काम किया इन दोनों मिलकर और बचा कुचा रिमेनिंग काम जो है वो Z ने किया, तो 4 प्लस 2 कितना होगा, 4 प्लस 2 6 होगा। और 6 प्लस 3 कितना होगा, 4 प्लस 2 प्लस 3, 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 3 कितना होगा, 9 होगा। मतलब 9 दिन में जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये काफी कंफ्यूज करता था आपको, अब आपको कंफ्यूज नहीं करेगा क्योंकि इतने इजीली आपको सॉल्यूशन सिखा दिया। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
उम्मीद करता हूं कि ये सम आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना भूले। चलिए और एक सम लेते हैं हम लोग, टाइप सिक्स। तो चलिए दोस्तों आपके लिए देखिए टाइप सिक्स लेके आया हूं। देखिए टाइप सिक्स में क्या दिया है, देखिए ध्यान दीजिए यहां पर। ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। मतलब यहां पर ये कह रहे हैं ए को जो है 15 दिन लगते हैं और बी को जो है 20 दिन लगते हैं उस काम को कंप्लीट करने में। इफ दे वर्क ऑन इट टूगेदर फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज। मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है कि दोनों मिलकर 4 दिन अगर काम करेंगे तो कितना काम बचा होगा। मतलब कहने के बाद यहां पर यह हिंट दे रहे हैं हमको कि 4 दिन में अगर साथ में काम करेंगे तो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ काम बाकी होगा। वो बाकी कितना होगा वो हमें निकालना है। देखिए यहां पर सबसे पहले देखेंगे, यहां पर नाम लिखेंगे। नाम देखिए यहां पर ए और यहां पर बी लिखने जा रहा हूं। ए को जो है 15 दिन लगते हैं काम को कंप्लीट करने में और बी को जो है 20 दिन लगते हैं। यहां पर 20 लिख लिया। अब देखिए एलसीएम निकालने जा रहा हूं। देखिए यहां पर एलसीएम निकालता हूं। एलसीएम में 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से स्टार्ट करते, देखिए 2 10 जा 20 हो गया। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 5 जा 10। फिर 3 का टेबल लेंगे, 3 5 जा 15 और यहां पर 5 आ गया। अब 5 1 जा हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा क्या होगा 60 होगा। ये हमारा हो गया, 60 आ गया। तो यहां पर मैं 60 लिख लेता हूं। चलिए अब ध्यान दीजिए यहां पर 60 आ गया। एक लाइन ड्रॉ, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। 15 के टेबल में 60 कब आता है, 15 4 जा 60 होता है। और 20 के टेबल में 60 कब आता है, 20 3 जा 60 होता है। अब प्लस करके यहां पर देखिए 7 आ गया। 7 मतलब क्या है, देखिए दोनों ने मिलकर एक दिन में जो है 7 काम करेंगे। ये क्लियर हो गया। मतलब ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, 7 काम करते हैं। और टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क देखिए यहां पर जो दिया हुआ है वो 60 दिया है। क्लियर हो गया। स्टार्ट करते हैं। अब 4 दिनों मिलकर काम करें, मतलब ए प्लस बी जो है साथ में 4 दिन काम कर रहे हैं। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, देखिए एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 4 7 जा 28। मतलब 28 काम जो है वो उन लोग कर लेंगे 4 दिन में। तो कितना काम बचा होगा, देखिए तो टोटल काम यहां पर 60 है, 28 काम उन लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो 28 माइनस करेंगे, देखिए यहां पर 10 यहां पर 5 हो गया। 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। मतलब 32 जो काम जो है बचा होगा, 28 डेज नहीं है, 28 काम कंप्लीट हो गया है 4 दिन में। तो अब 32 जो काम जो है बचा है, तो बचे का हमारे यहां पर देखिए फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए 32 जो है काम बाकी है, टोटल काम कितना है 60 है, तो यहां पर हम लोग 60 लिखेंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे और फ्रैक्शन में आंसर निकालेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें यहां पर पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए पहले सबसे पहले यहां पर हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 8 जा 32 होता है, 4 1 जा 4 होगा, 2 रिमाइंडर होगा, तो 2 और 0 20 हो जाएंगे, तो क्या होगा 4 5 जा 20 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होगा आंसर, 8/15 हमारा आंसर होगा। मतलब 8/15 फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, ये इतना काम बचा होगा। तो इस वीडियो में इतना है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में इतना है। उम्मीद करूंगा कि हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और अब आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और देखिए शेयर करना ना भूलें कि देखिए आपको नॉलेज मिल रहा है आपको, तो ये भी करिए, दूसरे को भी सीखने का मौका दीजिए। हमारा एक ही मोटो है, सीख रहिए सिखाते रहिए, इसीलिए शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करते रहिएगा और अपने चैनल को इमरान सर मैथ्स को ऐसे प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।